हम सब लोग सोचते हैं कि हम अपने घर को डेकोरेट करके रखें या फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज मेंटेन करके रख सकें, जिसके लिए हम ज़्यादातर चीज़ों को मार्केट से परचेज़ करते हैं और कुछ हम सोचते हैं कि घर पे ही इजीली DIYs ऐसे बन जाए जिससे कि हम अपने घर को डेकोरेट कर सकें। तो उसी से ही रिलेटेड आज वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं शेयर कर रही हूँ आज यहाँ पर प्लेस मैट्स, जिससे कि आप अपने डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या साइड टेबल पर चीज़ों को डेकोरेट करके ईजिली इन पर रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने टेबल वगैरह पे कोई चीज़ कवर करके रखें जिससे कि वो बहुत ही अच्छी लगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेसमेंट मैं शेयर कर रही हूँ जो कि बोहो स्टाइल है। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी एक किचन का प्लेट लेकर के यहाँ पे बुकरम को मैंने कट कर लिया है। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। और सिंपली ये जो रोफ आती है ये मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी, कॉटन रोफ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस रोफ को हमें पूरे जितना भी मैंने यहाँ पे ये बेस में कपड़ा लिया है तो इसके ऊपर मैं पूरे में इसको राउंड राउंड सर्कल की तरह इसको पूरा घुमा के कवर कर लूंगी। और मैं यहाँ पे जो कॉटन रोफ है उसको अभी ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी यहाँ पे फेविक ग्लू यूज़ कर सकते हैं या फिर फैब्रिक वाला जो अलग से ग्लू आता है आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरी जो रोफ है वो हमें अपने बुकरम के ऊपर यहाँ पर लगा देनी है। आप चाहें तो बुकरम की जगह कोई भी कपड़ा यहाँ पर ले कर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा थ्रेड को लगाना ईजी हो जाएगा। अगर हम बगैर बेस के थ्रेड को घुमाएँगे तो वो अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आ पाएगी और हमारा बेस जो है वो थोड़ा सा मजबूत भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे पूरे पे यहाँ पे थ्रेड जो है वो लगा लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो कॉटन रोफ से जो हमने लगाया है सेम उसी कॉटन रोफ को हमें इतना लंबा कट करना है कि जितना हमारा ये प्लेसमेंट सर्कल है इतना, और उस थ्रेड को डबल कट कर लेंगे यहाँ पे। मतलब हमें इसके कॉर्नर्स तैयार करने हैं जिसके लिए हमें डबल थ्रेड यहाँ पे कट करना है। तो सर्कल जितना मेरा आया उसका डबल मैंने यहाँ पे लेकर के थ्रेड को कट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ पीसेस जो हैं वो कट करने हैं। उनकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मेरे को थोड़ा सा ही यहाँ पे इसको बढ़ाना था तो आधा इंच के करीब मैंने यहाँ पे इनको ले लिया है, सेंटीमीटर के करीब। तो इस तरीके से आप जो हमने यहाँ पे पीसेस कट करे हैं उनको हमें इस थ्रेड के अंदर कुछ इस तरीके से नोट लगानी है। तो पहले जो हमारा जो छोटा सा जो पीस मैंने लिया है यहाँ पे थ्रेड का, उसको हम रखेंगे नीचे के साइड में। बहुत ही इजी होता है, आप बस एक बार ट्रिक देख लीजिए उसके बाद आप इजीली इसको बना लेंगे। ऊपर से आपने थ्रेड रखा और एक नोट की तरह इसको उठाते हुए लेके आए और इस तरीके से इसको खींच के टाइट करते जाना है। तो सेम इसी प्रोसेस से हम पूरे थ्रेड में सारे जो हमने छोटे थ्रेड कट करे हैं उनको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर से ही स्टार्टिंग करिएगा क्योंकि हमें पूरा थ्रेड हमने इतना ही लिया है यहाँ पर। तो देखिए अगेन मैं दिखा रही हूँ, नीचे थ्रेड रखना है इसके ऊपर और दूसरे साइड से हमें उठाते हुए जो हमारे दोनों कॉर्नर्स थे उनको इसमें से निकाल लेंगे और अच्छे से इसको खींच के टाइट करते जाएंगे, आपस में जॉइंट करते जाएंगे टाइट करते हुए। तो सेम इसी प्रोसेस से आप सारा जितना भी हमारे थ्रेड की लंबाई है उतने में आपको ये सारे छोटे जो हैं थ्रेड बांध लेने हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमने थ्रेड यहाँ पे लगाया है इसका अपोजिट को करके आप सारे थ्रेड्स को अच्छे से टाइट कर लीजिए और इक्वल कर लीजिए, क्योंकि हमें जो इसका जो दूसरा साइड है वो हमें फ्रंट में रखना है, मतलब वो ऊपर के साइड में रखना है जहाँ पे इस तरीके से नोट बन के आ रही है। हम जो वहाँ पर रख के बना रहे हैं उसके अपोजिट साइड से हमें इसको बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने कुछ इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है और पूरे थ्रेड को मैं इसी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लूंगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन बाद में यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। आप एक बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और बस यहाँ पे मैंने सारे थ्रेड लगा दिए हैं, अब बारी आती है इसको यहाँ पे स्टिक करने की। तो मैं ये ग्लू गन से ही स्टिक कर रही हूँ। थोड़ा सा सही से इसको स्टिक करिएगा टाइटली और जो ऊपर मैंने आपको बताया जो नोट्स हमें ऊपर रखनी है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो जिस तरीके से हम बना रहे थे वो वाली नोट्स हमें सारी नीचे के साइड रखनी है। तो इस तरीके से हम पूरे सर्कल पे यहाँ पे हमने जो तैयार किया है हैंगिंग्स तो उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे।
और जो हमारा हैंगिंग का एंड्स है उसको भी अच्छे से आप उसको चिपका दीजिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल जॉइंट जो है वो इसका नज़र ना आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको चिपका के कंप्लीट कर लिया है और हमारा 80% तो मैट रेडी हो गया है। अभी इसके बाद क्या करना है, जितनी भी हमारे ये जो साइड में जितने भी थ्रेड निकल रहे थे उनको हम एक कोम की हेल्प से यहाँ पे सारा इसको खोल देंगे। याद रखिए थोड़ा छोटा कोम लीजिएगा जिससे कि आप इजीली इसको खोल पाएँ। और देखिए वान्या ने अपने रेड्स मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं क्योंकि उसको लग रहा है वाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है वाइट रेड्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा जो थ्रेड है उनको ओपन कर दिया है। अब इसके जो थोड़े थोड़े से थ्रेड जो हैं वो अनइक्वल हैं उनको इक्वल करने के लिए आप सीजर की हेल्प से इनको इक्वली कट कर लीजिए। बहुत थोड़े थोड़े से क्योंकि मैंने सारे थ्रेड जो हैं वो इक्वल कट करे थे, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो गया है नोट बांधते समय उनको हम यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। तो बस हमारा यहाँ पे एक बोहो स्टाइल प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इस प्लेसमेंट को कहीं पे भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। आप इसको डाइनिंग टेबल पे डेकोरेट कर सकते हैं, सेंटर टेबल पे कर सकते हैं, या आपके पास कोई साइड कॉफ़ी टेबल वगैरह है तो उस पे भी आप इसको प्लेसमेंट को अरेंज करके डेकोरेट करके रख सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बोहो स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट बना के डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को। तो अगर आपको मेरा ये बोहो स्टाइल प्लेसमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं सेकंड DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड DIY के लिए लिया है कोकोनट रोफ, जिसको हम जूट की रस्सी भी कहते हैं। हर घर में बहुत ही आराम से मिल जाती है ये रस्सी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप किसी भी शॉप से इसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट में आपको ये पूरा एक बंडल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ये कोकोनट रोफ ली है इसके साथ मैंने लिए हैं यहाँ पे ये कुछ रेशम के थ्रेड जो कि मेरे बहुत ही पुराने रखे हुए थे। मैं काफ़ी DIYs करती रहती हूँ इसलिए, तो इसके लिए भी मैंने सेम बुकरम को यहाँ पे कट कर लिया है और शुरू में मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से ही यहाँ पे बनाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखिए रोफ को सर्कल में घुमा लिया है और इसके बाद मैं इसको सेंटर में प्लेस कर दूंगी। अभी हमें इस वाले प्लेसमेंट में क्या करना है, थोड़ा सा हम जो हमने ये कोकोनट रोफ लिया है इसको हमें सर्कल में घुमाते जाना है पूरे प्लेसमेंट को। और इसके बाद हमें थोड़ी सी दूरी पर जा करके जो हमने यहाँ पे ये रेशम के थ्रेड लिए हैं इसको हम इस रस्सी के ऊपर लपेट लेंगे। आप रेशम के थ्रेड के बजाय यहाँ पे कोई भी थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऊन के पीसेज हैं जो कि काफ़ी कलरफुल हैं तो आप ऊन को भी यहाँ पे लपेट सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थ्रेड पतला होता है तो उसको 3-4 बार यहाँ पे लपेट के थोड़ा सा मोटा कर लिया है थ्रेड को। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से रस्सी पे यहाँ पे लपेट लूँगी। इससे ऐसा करने से आपका जो मैट है वो थोड़ा सा मल्टी कलर यहाँ पे तैयार होगा। जिस भी कलर का आप यूज़ करना चाहते हैं उस कलर के थ्रेड्स जो हैं आप रोफ के ऊपर लपेट लीजिए। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे कई सारे जो अपने थ्रेड हैं उसको लगा लिया है और सिंपली हमें इसको कुछ भी नहीं करना है और ग्लू गन की हेल्प से हमें इसको राउंड राउंड लपेटते जाना है। तो आप इस तरीके से पूरी रोफ के ऊपर यहाँ पे थ्रेड जो है उसको लगा दीजिए। अलग अलग कलर्स में अलग अलग कोई भी आपके पास शेड हो आप उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने कई सारे यहाँ पे थ्रेड जो है वो लगा दिया है रोफ के ऊपर। अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी सा प्लेसमेंट है, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर सर्कल सर्कल की तरह इसको बस यहाँ पर फोल्ड करते जाना है। जितना हमने बुकरम लिया है उतना हमें यहाँ पे प्लेसमेंट रेडी करना है। आप चाहें तो बड़ा प्लेसमेंट भी यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो आप पायदान भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही आराम से बन के रेडी हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे कितना जल्दी से मेरा एक प्लेसमेंट यहाँ पे बनके तैयार हो गया है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसको भी कहीं पे भी डेकोरेट करके रख सकते हैं और इसके ऊपर आप जो भी चीज़ रखेंगे वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे कॉर्नर में मेरा एक स्पीकर रखा हुआ है तो उसी के ऊपर मैंने अपना ये प्लेसमेंट को अरेंज कर दिया है और देखिए यहाँ का लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी तरीके से आप किसी भी सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल पे इसको रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड DIY की तरफ, जिसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉटन रोप से। बहुत ही आराम से ये भी बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा एक प्लेसमेंट है जो कि फटाफट से बनके रेडी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हमने कॉटन की रोप ली है इसको भी सर्कल शेप में ही इस तरीके से पूरे को घुमाते जाएंगे। आप चाहें तो इसके नीचे भी बुकरम का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी फैब्रिक वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इसको चिपकाना ईजी भी हो जाता है अगर आप इसके नीचे बेस में कोई भी चीज़ लगाते हैं तो। बट मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही लगाती जा रही हूँ ग्लू गन की हेल्प से, और जितना बड़ा साइज़ आपको इस मैट का रखना है उतना बड़ा इसका एक सर्कल बना के रेडी कर लीजिए। तो एंड में इसको चिपकाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था ये, इसलिए तो इस तरीके से मैं इसको चिपकाती जा रही थी। और जो हमारा नॉर्मली सी इस तरीके से ये जो चिमटियाँ होती हैं कपड़े सुखाने वाली, उससे मैं इसको रोकती जा रही थी। इससे मेरा काम भी आसान हो रहा था और आराम से ये स्टिक भी हो रहे थे। इसके बाद देखिए, जब मेरा ये पूरा मैट जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास किसी भी तरीके के पॉम्पॉम अवेलेबल हैं तो आप उनका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। मैं मल्टी कलर के पॉम्पॉम्स का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पर्टिकुलर एक सिंगल कलर में भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ मैं यहाँ पे पॉम्पॉम लगा दूंगी और देखिए देखते ही देखते मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, कितना इजी है इस तरीके के प्लेसमेट बनाना, कितना आराम से आप इनको बना सकते हैं और अपने घर के किसी भी कोने को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको भी अगेन अपने एक साइड टेबल पे अरेंज करा है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो बहुत ही इजी होता है इस तरीके के छोटे छोटे से DIYs बना के अपने घर को सजाना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी एक भी प्लेसमेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।